हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी और इसे आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम तेल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ 2 चम्मच धनिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 10 से 15 काली मिर्च उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 लाल टमाटर, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां। तो ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे पीस लेंगे इस तरह से। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे बेसन का। तो यहाँ हमने 250 ग्राम बेसन लिया है, उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाला, 1 चम्मच लगभग। तो अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इस तरह से अच्छी तरह से फैट लेंगे। तो देख सकते हैं इसका थिकनेस, ऐसे घोल हमारा तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक बर्तन है, इसमें हल्का सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो अब जो बेसन का बैटर है उसको इसी में डाल देंगे। और इसे सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखा है गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर आप जाली है तो जाली रखिए, नहीं तो कोई भी प्लेट व्लेट रख सकते हैं। और फिर बेसन को इसमें रख देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद इसका पीस बना लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो बेसन का पीसेस हमने बना के रखा है वो डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा करने से क्या होगा कि सब्ज़ी का ये टेस्ट ख़राब कर सकता है, कड़ा हो जाएगा। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में 3 से 4 चम्मच और ऑयल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा और इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। तो प्याज भून चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और जो मसाला हमने पहले तैयार करके रखा था वो डालेंगे। उसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। अब बाकी के जो मसाला है उसे भी डाल देंगे। तो यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। किनारे से इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह से चलाएंगे, वरना ये मसाला में जाने के बाद फट सकता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
तो इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला भून चुका है, देख सकते हैं तेल अलग हो गया है मसाला से। तो अब इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से पानी डालें। बेसन में से पानी सोखता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद, ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे उबाल आने तक पकने देंगे। तो उबाल आ चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें बेसन का पीस को डाल देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे इसी तरह से। ढक्कन लगाकर 2 मिनट हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।